आठमा वचनामृत में बे प्रश्नों छे। स्वामीनारायण भगवाने संतों ने पूछ्यो कि भगवान ना भक्त होय एने सदाय सुखिया रहेवानो शुं उपाय। आ बहु कामनो छे, घणा दुखिया थई जाय छे, एनी जाते जाते दुखिया थाय छे, ने केटलाय कई नानी मोटी बाबतोमां दुखिया थई जाय छे। श्रीजी महाराज कहे छे भगवान ना भक्तो ए सदाय सुखिया रहेवाय एनो शुं उपाय। मोटा मोटा संतोए जेने जेम समझाय एम उत्तर कर्यो पण समाधान न थयुं, एटले श्रीजी महाराजे कह्युं कि सदाय सुखी रहेवा माटे एक वैराग्य, बीजो पोतानो धर्म अने त्रीजो आ बे साधनोए करीने इंद्रियोने वश करी होय, बीजो भगवानना भक्तने विशे प्रीति होय, भगवानना भक्तने विशे मित्र भाव होय, भगवानना भक्त थकी कोई दिवसे उदास थाय नहीं, भगवानना भक्तनी सोबते राजी रहे अने विमुखनी सोबत गमे नहीं, आटला लक्षण जेमा होय ए हरिभक्त आलोक अने परलोक मां सदाय सुखियो रहे छे। अने जेने पोताना इंद्रियो न जीत्या होय ए क्यारे पण सुखियो थाय नहीं। पछी मुक्तानंद स्वामीए पूछ्यू, हे महाराज, भगवान नो भक्त होय एने भगवान नी भक्ति मां क्यूं मोटू विघ्न छे? त्यारे स्वामीनारायण भगवाने कह्यु कि एज मोटू विघ्न जे हरिभक्त पोतानी खामी समझे नहीं, एटले के पोताना दोष देखे नहीं, अने भगवानना भक्त थकी जेनू मन नोखू पड़ी जाए अने जे भगवानना भक्त थकी बेपरवाही थई जाए। बेपरवाही एटले तू तारे घेर जाने, हवे मारे शू, तारे मारे लेवा के देवा, बस आ बेपरवाही, कई नहीं न बोले तो मारे शू, हो बस आ बेपरवाही, लेवा के देवा जा, भी तू मोटो तारा घर नो, आ बधा बेपरवाही ना लगता शब्दो छे। એટલે ભક્ત સાથે જેને આવું થઈ જાય તો એની ભક્તિમાં વિઘ્ન આવવાનું એમાં કોઈ શંકા નહીં।